फर्जी गीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्जी गीक। गाइस, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और बताना चाहूंगा गाइस, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एयरटेल के इंटरनेट टीवी की। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने आज वॉलपेपर भी चेंज किया हुआ है। नॉर्मली फर्जी गीक का वॉलपेपर लगा होता है, बट आज मैंने यहाँ पर चेंज करके एयरटेल इंटरनेट टीवी जो एयरटेल ने यहाँ पर नया लॉन्च किया है सेटअप बॉक्स, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। गाइस गाइस, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप स्पीकर है, अगर आप एयरटेल का जो इंटरनेट बॉक्स है वो खरीदेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो गाइस, जब एयरटेल इंटरनेट टीवी का क्या बेनिफिट है, एयरटेल इंटरनेट टीवी क्या है? एयरटेल इंटरनेट टीवी गाइस बेसिकली आपका जो नॉर्मल डिजिटल सेटअप बॉक्स है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ये आपके जो नॉर्मल सीआरटी टीवी होते हैं या एलसीडी या एलईडी या स्मार्ट टीवी, उन सबको ये स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने का काम करेगा जो एयरटेल ने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो जियो की बातचीत हो रही है यहाँ पर, जियो ने भी प्लान किया है ये नया अपना सेटअप बॉक्स लॉन्च करने का, बट अभी तक यहाँ पर कोई उनका प्लान लॉन्च नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने भी बॉक्स लॉन्च किया है। तो यहाँ पर इस फील्ड में तो यहाँ पर एयरटेल ने यहाँ पर बाजी मार ली है, क्योंकि उन्होंने पहले लॉन्च कर दिया है, प्लान भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी मैं आपको इस सेट बॉक्स के बारे में बताता हूँ। अभी ये एयरटेल इंटरनेट टीवी है, यहाँ पर अगर आप फ्रंट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर यूएसबी पोर्ट नजर आएगा, प्लस एयरटेल का जो लोगो होता है डिफॉल्ट वो यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे तो वाईफाई आइकन आपको विजिबल रहेगा, उसके बाद यहाँ पर पावर इंडिकेटर्स हैं, प्लस पावर बटन है, यहाँ पर आपका एंड्रॉयड का लोगो है, प्लस नेक्स्ट टू दैट इसमें डॉल्बी ऑडियो का फीचर भी आपका अवेलेबल है, 4K क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेगा गाइस ये आपको। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। राइट साइड पर देखेंगे तो माइक्रो एसडी का भी यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर स्लॉट दिया है, मैक्सिमम आप इसमें मेमोरी ये सपोर्ट कर पाएगा अप टू आपका जो माइक्रो एसडी है, जो इंटरनल है इसमें 8GB है, 128GB तक ये एक्सटर्नल सपोर्ट कर पाएगा यहाँ पर। तो लेफ्ट साइड पर ये CI स्लॉट देख रहे हैं गाइस, अगर आप एयरटेल का DTH कनेक्शन यूज़ करते हैं या कोई भी DTH कनेक्शन यूज़ करते हैं तो वो DTH किस तरीके से काम करता है, उसमें एक कार्ड होता है जिसकी वजह से वो कार्ड करता है, वो कार्ड जिस आपके ATM में डेबिट कार्ड जो होता है लुक अलाइक होता है उनका ही जैसे दिखने में होता है, लेकिन वो प्लेन होता है, जस्ट उस पर सिंगल चिप होती है, तो उसी को CI स्लॉट बोलते हैं, उसी में वर्क करता है। तो उसके बाद अगर हम एयरटेल की बैक पर देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें अडैप्टर का पोर्ट मिला है, प्लस नेक्स्ट हमें एंटीना इन मिला है, प्लस नेक्स्ट वीडियो और ऑडियो आउटपुट मिला है, यहाँ पर HDMI पोर्ट भी दिया गया हुआ है ताकि आप इसे अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर पाएं HDMI के थ्रू, प्लस जो नेक्स्ट पोर्ट है इसमें आपको यहाँ पर USB दिया गया है, USB 2.0 है, 3.0 नहीं है, लेटेस्ट USB नहीं है बट ये 2.0 है, प्लस इसके साथ इथरनेट पोर्ट भी दिया गया है गाइस आपको, ताकि अगर आपके पास लैन कनेक्शन है तो आप लैन कनेक्शन से भी इसको कनेक्ट कर पाएं। तो ये पोर्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं गाइस। अब बाकी अगर इसके रिमोट की बात करें तो इसके रिमोट में काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप आइकन पोज प्लस लाइव म्यूट एंड ऑल सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। प्लस अगर आप ये बात करेंगे तो इसके अंदर कमांड्स भी दिए हैं, इसके अंदर माइक है गाइस, अगर आपको कोई कमांड कंट्रोल करनी है, कुछ सर्च करना है तो इसके अंदर माइक अवेलेबल है रिमोट के अंदर, तो उसे आप सर्च कर पाएंगे गाइस। तो चलिए नेक्स्ट फीचर की ओर मूव करते हैं। अब इसकी मैं आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर डुअल कोर प्रोसेसर है ARM15 का, प्लस 2GB रैम है, काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। जो इंटरनल स्टोरेज है 8GB है, जैसे मैंने आपको बताया था 128GB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस इसमें आप रिकॉर्डिंग सेव भी कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल डिवाइस पर, या एक्सटर्नल कोई USB पेन ड्राइव हो गई या आपकी कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर आप इसमें प्रोग्राम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जो वायरलेस स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है उसमें 802.11 है, जो कि लेटेस्ट है यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 6.0 मिला है आपको, पावर जो है यहाँ पर 12 वोल्ट का जो करंट रहेगा इसके अंदर। तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर गाइस यहाँ पर मिले हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ यहाँ पर प्लान की, जो 3 मंथ्स का प्लान है यहाँ पर वो आपको ऑलमोस्ट 4999 का पड़ेगा, प्लस जो अगर आप 12 मंथ के लिए जाना चाहते हैं तो 7999 8000 में आपको यहाँ पर गाइस पूरे साल के लिए सेटअप बॉक्स पड़ेगा, प्लस प्लान्स पड़ेंगे। इंटरनेट आपको अलग से रिक्वायर्ड रहेगा इसमें। जो मेन बेनिफिट है यहाँ पर इसका वो ये है कि आपको कोई स्मार्ट टीवी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, खुद उसको कन्वर्ट कर देगा स्मार्ट टीवी में, आप एंड्रॉइड यूज़ कर पाएंगे उसमें, यूट्यूब से डायरेक्ट सॉन्ग्स प्ले कर पाएंगे, प्लस नेटफ्लिक्स का आपको 30 डेज का ट्रायल मिलेगा, यूट्यूब आप उस पर यूज़ कर पाएंगे, तो ये सारे फीचर्स आप उस पर यूज़ कर पाएंगे गाइज यहाँ पर। तो ये था एयरटेल का सेटअप बॉक्स गाइज। मैं अगर अपने एंड से अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली एयरटेल का परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए मैंने लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से डेफिनेटली अगर आपको परचेज करना है बॉक्स तो परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप
जियो के डीटीएच के आने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि जियो डेफिनेटली आएगा तो कुछ धमाका ही करेगा, कुछ अच्छे ऑफर्स ही लेकर आएगा गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सब्सक्राइब कीजिए फर्जी गीक को। थैंक यू गाइज़।